फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी इंस्टेंस के वॉल्यूम को मॉडिफाई इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा 10 GB है और मैं 20 GB करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, फिर स्टोरेज पे जाऊँगा, स्टोरेज के वॉल्यूम ID पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरा 10 GB है। अब मैं इस पर क्लिक करके एक्शन मॉडिफाई वॉल्यूम, मेरा 10 GB है, मैं 20 GB कर देता हूँ। मॉडिफाई, देखिए मेरा 10 था, अब 20 हो जाएगा। तो इसमें मॉडिफाई होने में थोड़ा टाइम लेगा, आपको वेट करना पड़ेगा 5 मिनट जितना। अभी मेरा वॉल्यूम मॉडिफाई हो गया। अब मैं फिर से इंस्टेंस पे जाऊँगा, सिलेक्ट करके कनेक्ट करके देखता हूँ। वॉल्यूम साइज देखने के लिए DF-H। देखिए मेरा अभी भी 9 GB ही दिखा रहा है, 9.6 GB ही दिखा रहा है। तो अब मुझे इसको रिसाइज करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, इधर मेरा 20 GB है। वॉल्यूम ID में देख लीजिए 20 GB है, बट इधर 10 GB दिखा रहा है। ओके, तो मुझे वॉल्यूम रिसाइज करना पड़ेगा। अब मैं फिर साइज देख लेता हूँ। देखिए अभी भी मेरा 10 GB ही है, तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ मेरा इंस्टेंस को। रिस्टार्ट करके एक मिनट जितना वेट कर लेते हैं। टाइम लेता है रिस्टार्ट में, आपको दिखाएगा नहीं मगर बैकग्राउंड में रिस्टार्ट होता रहता है। कनेक्ट, देखिए मेरा 20 GB आ गया। कभी कभी एक्चुअली रिस्टार्ट पे नहीं आता, तो आपको एक बार स्टॉप एंड देन स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। थैंक यू।